हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एमएससी ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रन, हाफ ऑफ दिस स्टोरी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माय लास्ट वीडियो। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सौम्या हार्टली एग्रीड। द गर्ल्स वेंट टू स्कूल ऑन देयर बाइसाइकिल्स। सून द बॉयज अराइव्ड। They started laughing as soon as they saw the girls on the bicycles. Do you even know how to cycle or is it just for show off? जब प्रिया और सौम्या आपस में उन्होंने बात की कि वो दूसरे दिन जैसे ही स्कूल खुलेगा अगले दिन दोनों अपनी साइकिल में स्कूल जाएंगे और बॉयज को दिखा देंगे कि गर्ल्स भी साइकिल चला सकती हैं। अगले दिन जो गर्ल्स हैं वो अपनी साइकिल में स्कूल गई, तभी वहां पे बॉयज भी पहुंचे और जैसे ही बॉयज ने उन्हें साइकिल पे देखा गर्ल्स को, वो उन्हें देख के हंसने लगे। शिवम ने कमेंट किया गर्ल्स को, क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती भी है या सिर्फ हमें दिखाने के लिए साइकिल स्कूल में लेके आई हो? रोहित एंड अंकुर स्टार्टेड लाफिंग और उसके बाद दोनों वो उनके ऊपर हंसने लगे। You want to see how about a cycle race this Saturday? Soumya asked. Soumya ने कहा, तुम देखना चाहते हो तो क्यों ना हम इस Saturday को cycle race करें? Don't be silly. Girls cannot cycle properly. You will lose, Rohit said. Why don't you agree to the race and see? Soumya challenged them. Who will declare the winner? Asked Ankur. Our parents can be the judges and audience both, Priya suggested. अब रोहित ने कहा कि बेवकूफ मत बनो, गर्ल्स कभी भी साइकिल अच्छे से नहीं चला सकती हैं। सौम्या ने उनको चैलेंज किया, क्यों ना हम रेस करें, फिर देखा जाएगा कौन जीतता है, कौन विनर है और कौन नहीं है। फिर अंकुर पूछता है, विनर कौन डिक्लेयर करेगा, कौन देखेगा, कौन जज करेगा हमें? तो प्रिया कहती है, हमारे पेरेंट्स हमें जज करेंगे। सून एवरीथिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड, अ ट्रैक वॉज फाइनलाइज्ड एंड ऑल द फाइव चिल्ड्रन एंड फाइव पेयर्स ऑफ पेरेंट्स गैदर्ड एट द स्टार्ट लाइन अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन सैटरडे। The boys were taken aback at the willingness of the girls and their parents, but they hid their feelings of surprise. They still believed in their theory that girls cannot be good bikers. अब बहुत जल्दी, अब उनके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी वो सारा सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ। जो रेस का ट्रैक था वो फाइनल हो चुका था और जो पांचों बच्चे थे और उनके पेरेंट्स सब सैटरडे को मॉर्निंग में सब पहुंच गए जहां पे वो ट्रैक था रेस का। फिर लड़कियों और उनके माता पिता की इच्छा पर लड़कों को रोका गया, लेकिन उन्होंने आश्चर्य की अपनी भावना को छिपा दिया। यह अभी भी उनके सिद्धांत में विश्वास करता है कि लड़कियां अच्छी बाइकर नहीं हो सकती हैं। The race started. It was a 2 kilometer track. Initially, the boys were ahead of the girls. They pedaled fast as soon they were overtaking each other. Priya and Soumya were not behind, but they preferred to ride on a steady speed. They must have gone half a kilometer when Rohit's bicycle tire burst. He was out of the race. So children, the race started. और जो रेस जैसे ही स्टार्ट हुई, 2 किलोमीटर का ट्रैक बना था और इनिशियली द बॉयज वर अहेड ऑफ द गर्ल्स। जो बॉयज थे वो गर्ल्स से आगे थे। दे पैडल फास्ट, वो बहुत तेज साइकिल चला रहे थे, एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे थे, बहुत स्पीड से सब साइकिल चला रहे थे। लेकिन जो प्रिया और सौम्या थी वो भी पीछे नहीं थी, वो भी लगातार कोशिश किए जा रहे थे और
साइकिल चला रहे थे। दे मस्ट हैव गॉन हाफ। जैसे ही हाफ किलोमीटर हुआ, जो रोहित था, रोहित के साइकिल का टायर फट गया और वो रेस से आउट हो गया। द बॉयज हैड क्रॉस द 1 किलोमीटर मार्क, बट ड्यू टू एक्सेस एफर्ट दे वर फीलिंग टायर्ड। अब जो बॉयज थे वो 1 किलोमीटर उन्होंने पार कर लिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक गए थे। एट द सेम टाइम द गर्ल्स हु हैड मेंटेन अ स्टेडी स्पीड टुक ओवर देम। नाउ प्रिया एंड सौम्या वर अहेड ऑफ शिवम शिवम एंड अंकुर। लेकिन जो बॉयज थे वो बहुत स्पीड से जा रहे थे, बट जो गर्ल्स थी उन्होंने अपनी स्पीड को एक मेंटेन उसमें चल रहे थे। वो उन्होंने ज्यादा हबड़ा तबड़ी भी नहीं की, आराम से वो नियमित रूप से चल रही थी। और कुछ ही टाइम बाद प्रिया और सौम्या जो हैं वो शिवम और अंकुर से आगे निकल गई। हाउएवर मच शिवम एंड अंकुर ट्राइड, दे कुड नॉट पैडल फास्टर। देयर लेग्स फेल्ट लाइक लीड, दे वर हफिंग एंड पफिंग। दे वर जस्ट हाफ अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द फिनिश लाइन व्हेन दे सॉ प्रिया एंड सौम्या क्रॉसिंग द फिनिश लाइन टुगेदर। अब जो शिवम अंकुर थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे जो पैडल है साइकिल में, पैडल को लगातार पैडल चला रहे थे, बट उनके जो पैर थे वो बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो बहुत थक चुके थे, बस 1/2 किलोमीटर बाकी था उनका विनर के लिए। जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्रिया और सौम्या हैं वो ऑलरेडी फिनिश लाइन को एक साथ क्रॉस कर चुकी हैं। द गर्ल्स गॉट डाउन फ्रॉम देयर बाइसाइकिल्स एंड हग देयर पेरेंट्स हु वर स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर देम। सौम्या और प्रिया ने जब क्रॉसिंग लाइन फिनिश की एक साथ, तो वो अपनी साइकिल से उतरकर उन्होंने अपने पेरेंट्स को हग किया। द बॉयज वर वेरी टायर्ड, बट दे न्यू दे हैड टू फिनिश द रेस, सो दे कंटिन्यू टू पैडल विद ग्रेट एफर्ट एंड एज सुन एज दे रीच द फिनिश लाइन दे जम्प फ्रॉम देयर बाइसाइकल्स एंड फेल टू द ग्राउंड। अब उन्होंने क्या किया, बॉयज ने जैसे ही देखा प्रिया सौम्या क्रॉसिंग लाइन को पार कर चुकी हैं, जो फिनिश लाइन है उसको क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हमें रेस पूरी करनी है। वो अपना पूरा एफर्ट लगा के फिनिश लाइन तक वो गए, और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे पूरा एफर्ट लगा के फिर वो अपनी साइकिल से उतरे और एकदम से नीचे ग्राउंड में गिर गए। दे वर कम्प्लीटली आउट ऑफ ब्रीथ एंड फेल्ट अनेबल टू स्टैंड। ऑन द कॉन्ट्रेरी द गर्ल्स डिड नॉट सीम एग्जॉस्टेड एट ऑल। अब जब वो अपनी साइकिल से उतरे और नीचे ग्राउंड में गिर गए, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ज्यादा ही थक चुके थे, वो खड़े भी नहीं रह सक रहे थे, इसलिए वो नीचे जमीन में लेट गए। और वहीं गर्ल्स को जब देखा तो गर्ल्स बिल्कुल भी थकी हुई नहीं दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने एक नियमित रूप से साइकिल को चलाया। द गर्ल्स जम्प्ड विद जॉय, दे हैड वन द रेस, एवरीवन चीयर्ड फॉर देम। हैविंग कॉट देयर ब्रीथ शिवम रोहित एंड अंकुर टू चीयर्ड फॉर प्रिया एंड सौम्या। जो गर्ल्स थी वो खुशी के मारे जंप कर रही थी, बिकॉज दे क्रॉस द फिनिश लाइन। वो क्या थी, विनर थी, रेस की विनर थी, इसलिए वो खुशी के मारे जंप कर रही थी और सब उन्हें देख के उनको चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे उनके लिए। हैविंग कॉट देयर ब्रीथ शिवम रोहित एंड अंकुर टू चीयर फॉर प्रिया एंड सौम्या। और उन्हें देख के शिवम रोहित और अंकुर ने भी उन्हें चीयर किया। शिवम केम टू सौम्या एंड सेड सॉफ्टली, आई एम सॉरी सौम्या, आई हैव लर्न माई लेसन, आई विल नेवर अगेन से दैट गर्ल्स कैन नॉट गो साइकिलिंग, फ्रॉम टूमोरो वी विल ऑल गो साइकिलिंग टूगेदर। अब शिवम ने सौम्या से कहा, आई एम सॉरी सौम्या, और मुझे सबक मिल चुका है, आज के बाद मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि लड़कियां अच्छी साइकिल नहीं चला सकती हैं, और कल से हम सब एक साथ साइकिल चलाएंगे। सौम्या स्माइल एंड दे शूक हैंड्स, एवरीवन क्लैप फॉर देम। अब सौम्या ने भी स्माइल किया उसे देख के, उससे हैंडशेक किया, और उन्हें देख के, सब उन्हें देख के
क्लैपिंग करने लगे। सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।